नमस्कार, ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल से हुई सीबीआई की पूछताछ के बाद प्रदेश में एक बार फिर राजनीति गरमाने लगी है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जब कथित सीडी को लेकर उन्होंने हल्ला किया तो सवाल भी उन्हीं से किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का विकास रथ गुरुवार को बालोद और राजनांदगांव जिला पहुंचेगा, जहां वे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। रायपुर से बालोद रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के बयान पर चुटकी ली। सीडी जिसने दिखाया है उससे नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? पूछने के लिए तो बुलाया जाएगा भाई, जब आपने सीडी दिखाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया है, तो सीबीआई किसे पूछेगी? किसी और दूसरे को बुला के पूछने से काम नहीं। तो उनको जो बात कहना है तथ्य को उजागर करना चाहिए। जो भी चीज़ है सच्चाई है, सीबीआई को सामने लाने की जवाबदारी है और वो सारे संबंधित लोगों से लगातार पूछ कर रही है। अब क्या आगे उसकी कार्रवाई होगी, भूमिका होगी, अलग बात है, मगर एक प्रक्रिया है। जब कुछ बड़ी घटना होती है तो कांग्रेस के मित्र ही बोलते हैं सीबीआई से जाँच करा लो। जब सीबीआई जाँच कर रही है तब उनको लगता है कि सीबीआई ठीक जाती, बड़ा अजीब स्थिति है। शिक्षा कर्मियों को भी डॉक्टर सिंह जल्द ही नई सौगात देंगे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा कर्मियों के आंदोलन को लेकर समाधान निकाल लिया गया है और जल्द ही फैसला आ जाएगा। ये इलेक्शन के समय अभी धीरे धीरे आंदोलन तो होते रहेंगे, मगर समाधान भी हमने ढूंढ लिया है और समाधान चीफ सेक्रेटरी और इनकी कमेटी तैयार हो गई है, तो इसका रास्ता निकलेगा। मुख्यमंत्री ने सुकमा में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए एक जवान के प्रति शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ये नक्सलियों की कायरता पुण्य हरकत है, इसके लिए सरकार जल्द ही बड़े कदम उठाएगी। जिस प्रकार से लैंड माइंस पे घटना होती है, ये निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ के सारी सड़कों को सुरक्षित करने का काम हमारे जवान करते हैं, पर दुर्भाग्यवश कहीं ना कहीं लैंड माइन के शिकार होते हैं, इसके लिए भी सावधानी रखने का है। मगर ये आप देखेंगे कि 6 महीने में आमने सामने कहीं मुकाबला करने की उनकी ताकत नहीं है, सिर्फ छुपकर वार करने की स्थिति में आ चुके हैं और एक प्रकार से वो उनका ही निराशा है। For more information, log on to www.clips.in.